हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। गाइस आज हम जा रहे हैं साग लेने, बहुत दूर जाएंगे, बहुत दूर। अब हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे साथ कौन कौन है। देखिए गाइस, ये गुलाबी सोल वाली ये मेरी भाभी है, और ये जा रही है ये मेरी मम्मी है। ये देखिए, ये इन दोनों का बहुत वार्तालाप चल रहा है। देखिए जा रही हैं बात करती हुई, और मैं इनके पीछे पीछे जा रही हूँ। ये देखिए बकरी को कैसे चुगा रहा है ये लड़का, देखिए इसको। ये देखिए ये किसी और को बुला रहा है। ये देखिए ये इसको बुला रहा है, ये बकरा है, बकरा है या बकरी, ये तो बकरी है। और ये देखिए इसको कैसे चुगा रहा है। देखिए गाइस कितनी दूर जा ली है ये मेरी भाभी और मेरी मम्मी, और साथ में कुछ बच्चे भी हैं। मैं इनसे बहुत पीछे रह गई हूँ, मैं जा रही हूँ अभी इनके पीछे पीछे दौड़ कर। दोस्तों आज बहुत ठंड थी तो मैंने भी आज बहुत सॉल ओढ़ रखा है, और मेरी मम्मी ने भी। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरी भाभी ने भी और मेरी मम्मी ने भी सॉल ओढ़ रखा है, काफ़ी ठंड पड़ रही है। तो आज हमारे बनेगा साग और मक्की की रोटी, और अगर आपको भी खाना हो तो आ जाइए ना हमारे घर पर, आज हमारे साग बनेगा। हम आपको साग भी दिखाएंगे, आ रहा जंगल में कहाँ से ला रहे हैं हम जा रहे हैं, बहुत दूर जाना है भाई हमें। हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, और अगर भी आगे भी सॉरी मैं क्या बोल गई, और आगे भी बहुत सारा रास्ता पड़ा है बाकी। ये देखिए भाई, अब हम आ गए हैं दूसरे मोड़ पर। ये देखिए मुड़ गए हैं हम। दोस्तों सर्दी के कारण ना मेरा गला थोड़ा सा जम सी गया है, और काफ़ी थोड़ा थोड़ा नज़ला भी हो रहा है। तो मैंने दवाई भी ली थी डॉक्टर से, डॉक्टर ने 200 रुपये ले लिए थे। मोदी जी ने ऐसा लॉकडाउन लगाया कि सबके भाव बढ़ गए हैं ज़्यादा ही। वैसे एक बात तो है, हमारे यहाँ पर दवाई बहुत अच्छी मिलती है। अगर आपको भी नज़ला खांसी जुकाम हो रहा हो तो हमारे यहाँ पर आकर दवाई ले लीजिए। हम दोपहर में जा रहे हैं साग लेने, थोड़ी थोड़ी धूप निकली है 3-4 दिनों के बाद। हम जा रहे हैं, बहुत दूर जाना है हमें। और ये देखिए ये अंकल है, कहाँ 2 बज रहे हैं अब जा खेत में, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अपने खेत में ही आए होंगे बेचारे गन्ने काटने के लिए। बेचारे ने ये इतना सारा खेत छोड़ दिया इन्होंने, इन्हीं का ही आए हो खेत। और ये देखिए भाई खेतों में गोबर के उपले, किसान बुग्गी में गोबर लाता है और इतनी दूर आकर यहाँ पर पाथ देता है। देखिए कितनी दूर जंगल में किसान कितनी मेहनत करता है, यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी तरह से इन्होंने यहाँ पर जमा रखे हैं। और अभी तो ये अल्ले हैं, जब ये सूख जाएंगे तो इन्हें ये किसान बिटोड़े में जमा देते हैं, फिर ये उसमें सुरक्षित रहते हैं। देखिए काफ़ी दूर तक पाथ रखे हैं गोबर किसानों ने। और देखिए भाई जंगल में क्या पता कोई इन्हें उठा कर ले जाए, और क्या पता इन्हें बिजार फोड़ जाए। देखिए कितनी मेहनत करता है किसान यहाँ पर, इनकी रखवाली भी करता है और अपने साथ साथ अपनी खेती की भी रखवाली करता है। देखिए कितनी मेहनत करता है बेचारा किसान, यहाँ पर गोबर लाकर गिरता है फिर उसे पाटता है। तो दोस्तों बस हम थोड़ी सी देर में पहुँच जाएंगे जहाँ हम जा रहे हैं साग लेने। आज तो हमारे घर पर साग बनेगा भाई, अब अगर आपको खाना हो तो आप भी आ जाना हमारे यहाँ पर। ये देखिए कितनी दूर जा ली है ये मेरी मम्मी और मेरी भाभी और कुछ बच्चे। हम देखिए वहाँ पर बस कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर सरसों है, और उसी वहाँ पर छोटी छोटी सरसों बोई हुई है। हम वहीं जा रहे हैं, थोड़ी सी दूर रह गया है। देखिए अभी हमको ये रास्ता भी पार कर जाना है। और ये देखिए किसान है भाई, अपने खेत में ना दवाई गिर रहा है। देखिए यहाँ पर गेहूँ बो रखे हैं इन्होंने, यहाँ पर दवाई छिड़क रखी है। हेलो भाई, पहुँच गए सरसों के खेत में। ये गेहूँ है और गेहूँ में सिरस हो रही है छोटी छोटी। ये देखिए मेरी भाभी ने हाथ में ले रखी है। ये देखिए भाई, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी तोड़ेंगे। ये मेरी मम्मी जा रही है। देखिए भाई गेहूँ में सिरसों बुरी है। ये देखिए भाई,
देखिए भाई इस थैले में मैंने सिरसों बांध ली, अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ। ये देखिए भाई इस लड़के ने भी मन्नी में सिरसों बांध रखी है। भाई हम जा रहे हैं अपने घर, और अभी तो जाके हमें घर पर पालक भी काटना है। हम आपको अपने घर में बुआ हुआ पालक भी दिखाएंगे जो हमने क्यारी बनाकर वो उसमें बो रखा है। ये देखो भाई हमने अपने घर में ऐसी पालक बो रखा है, मैंने काट लिया और आज हम बनाओगे साग। तो गाइज कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और अगर वीडियो पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।